भैया इधर लड़वा दिए भैया इधर बड़ा बड़ा मार हो रहा है। अरे लड़ो मत, अरे लड़ो मत। मॉर्निंग में WAG 2L की दर्शन। तो दोस्तों ये कोई ट्रेन मालगाड़ी, ये देखो कुछ सवारी यहीं से घुसने को तैयार है। रुक गई। तो दोस्तों फिलहाल एक और नई ट्रेन जर्नी की यात्रा शुरू हो रही है। आज फिलहाल मैं हूँ अभी वाराणसी रेलवे स्टेशन पे, बनारस रेलवे स्टेशन है ये। तो कुछ इस तरह का है, देख सकते हैं। आज की जो ट्रेन जर्नी होने वाली है काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस में, कौन से कोच में होने वाली ये आपको बताऊंगा मैं प्लेटफॉर्म पे पहुंचने के बाद। तो फिलहाल आप लोग रेलवे स्टेशन का बाहर साइड का एरिया देखिए आप लोग। ट्रेन जो लगी हुई है वो प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे लगी हुई है और ये है प्लेटफॉर्म नंबर 8। तो चलते हैं 7 पे, फिर आपको दिखाते हैं कौन से कोच में आज की जर्नी होने वाली है। और इस साइड खड़ी है बुंदेलखंड एक्सप्रेस, देख सकते हैं। तो कभी इस ट्रेन में जर्नी करेंगे ग्वालियर से बनारस के बीच में। दोस्तों आज की ट्रेन जर्नी 3rd AC में होने वाली है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों देख सकते हैं सामने है B2 कोच, तो चलते हैं अपने अंदर। मेरा बर्थ होता है साइड अपर 8 नंबर और सामान वगैरह मैं रख के निकल जाता हूँ लोकोमोटिव देखने की का। और कौन सा लोकोमोटिव लगा हुआ है ये आपको मैं दिखाता हूँ। तो मिलते हैं लोकोमोटिव के पास। तो दोस्तों गाजियाबाद का WAP 7 लगा हुआ है इसमें और आप देख सकते हैं। जर्नी शुरुआत करते हैं और एक और नई जर्नी में काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस के 3rd AC में एक पानी वाला वेंडर बेच रहा था 20 बोतल। देखते हैं ट्रेन डिपार्चर के बाद पानी की बोतल का क्या प्राइस पड़ता है। डिपार्चर होते ही मैं इसके जनरल कोच में चलने वाला हूँ सेवा पूरी तक, उसके बाद मैं अपने 3rd AC कोच में चला जाऊँगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहना, आपको जनरल कोच का भी रिव्यू देंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं जनरल कोच का हाल अभी तो फिलहाल सही है। अरे बैठिए कहीं घसका के, कितना आगे बढ़ते जाइएगा कहीं खाली नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ट्रेन फाइनली डिपार्ट हो गई है। तो दोस्तों हर हर महादेव, एक और नई ट्रेन जर्नी में आपका स्वागत है। आप लोग बनारस रेलवे स्टेशन से डिपार्चर एंजॉय कीजिए, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टॉपेज सेवापुरी रेलवे स्टेशन पे। बाय बाय। तो दोस्तों आगे बहुत सारे सरप्राइज आपको मिलने वाले हैं जर्नी के दौरान, तो साथ में कुछ लोग भी हैं तो आपको इनसे भी मिलवाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए। हमारी धीरे धीरे डिपार्ट हो रही है बनारस रेलवे स्टेशन से। तो सामने आपको ग्राउंड दिख रहा है, ये पूरा कीचड़ था, पूरा महकता था बहुत गंदा। मैं सुबह सुबह कोचिंग जाया करता था। तो दोस्तों काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस बनारस जंक्शन नहीं जाएगी, कट जाएगी बनारस से निकलने के बाद सेवापुरी की तरफ। बाकी दोस्तों आपको दिखाते हैं कहाँ से कटेगी। तो देखिए दोस्तों डाउन लाइन पे कैसे बैठ के पत्ते खेल रहे हैं लोग, देखिए। ये देखो कुछ सवारी यहीं से घुसने को तैयार है। ये देखो आ जाओ जल्दी जाने दो, आ जाओ। अरे इसमें चलो आ जाओ। बोला भैया खींचो। दोस्तों देखिए कैसे लोग चढ़ने के लिए एकदम आतुर हो रहे हैं।
ये मोदी का शहर है देख लो। अरे चलो आरपीएफ वाले को होना चाहिए था इस सब जगह पे, पता नहीं आरपीएफ वाले कहाँ होते। देख सकते हो दोस्तों कैसे लोग कर रहे हैं, ये देखिए 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 कैसे लोग दौड़ दौड़ के चल ले जाओ घर बचा हुआ। जो अभी आपने देखा क्या ये सही है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी दोस्तों मैंने चल रहे थे ट्रेन की स्लो थी तो चला लिया। देखिए दोस्तों ये दो लाइन चली जाएगी सीधा बनारस जंक्शन रेलवे स्टेशन पे और इधर को हमारी ट्रेन चली जाएगी सेवापुरी रेलवे स्टेशन होते हुए लखनऊ की तरफ रायबरेली वगैरह होते हुए। अरे हम कह रहे सामान आप टिफिन छोड़ी नहीं रही थी, मैं कह रहा हूँ टिफिन छोड़िए। ऐसा मत किया कीजिए, दोबारा मत कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा ही मत आगे से। तो दोस्तों इधर बनारस जंक्शन रेलवे स्टेशन है और हमारी ट्रेन यहीं से कट गई है। पहले ये रूट बना हुआ नहीं था आज से 10 साल पहले, क्योंकि दोस्तों यहीं पे रहा हूँ बचपन यहीं गुजरा है बनारस गलियों में, पता है कटकोटे हो रहा बनारस जंक्शन रेलवे स्टेशन। मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए बनारस जंक्शन ये रही और अपनी ट्रेन निकल गई इधर, इधर से दिखा दूँ। बाकी दोस्तों इधर है रेल डाक सेवा, आधा कोच और आधे में जनरल लोग बैठे हैं। वॉशरूम आपको मैं स्लीपर का दिखा देता हूँ, तो देख सकते हैं इधर पुलिस वाली है, मिरर वगैरह साफ है। और इधर भी साफ सफाई मेंटेन है। अपने कोच B2 में बाकी सेवा पूरी रेलवे स्टेशन की बात करूं तो यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे और जो लाइनें हैं 4, और इसका स्टेशन कोड क्या है वो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। फाइनली मैं B2 कोच की तरफ आ गया हूँ, देख सकते हो आप लोग, और अपनी ट्रेन हॉन्क भी कर रही है। सो इस वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हैं 100, आप लोग जैसे ही 100 लाइक करते हो नई वीडियो आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों 1 मिनट के स्टॉपेज के बाद अपनी ट्रेन फाइनली सेवापुरी रेलवे स्टेशन से डिपार्चर ले रही है, तो आप लोग डिपार्चर एंजॉय करो, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टॉपेज, तब तक आप लोग सेवापुरी से डिपार्चर एंजॉय करो। अपना B2 कोच और कोच की साफ सफाई आप लोग देख सकते हैं ठीक ठाक भी है। बाकी दोस्तों अभी हमारी ट्रेन भदोही रेलवे स्टेशन पे पहुंचने वाली है और ये देखिए कौन सी ट्रेन है, तो दोस्तों यहाँ पे
टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म मुझे दो ही लग रहे हैं और नंबर ऑफ ट्रैक 4 है। बाकी इस स्टेशन का स्टेशन कोड है क्या है भदोही रेलवे स्टेशन का, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, अभी तक वीडियो में बने हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों, भदोही रेलवे स्टेशन पे भी 2 मिनट का ही स्टॉपेज है, यहाँ पे ट्रेन 10-15 मिनट की देरी से आई है जो कि आगे मेंटेन हो जाएगा। बाकी रेलवे स्टेशन कुछ इस तरह का जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। भैया ब्लॉग बनाइए, इधर काय लड़वा दिए भैया, इधर बड़ा बड़ा मार हो रहा है। अरे लड़ो मत। बाकी दोस्तों देख सकते हो सामने घरेलू लड़ाई चल रही है और अपनी ट्रेन का सिग्नल भी हो चुका है। तो देख सकते हो अपनी ट्रेन का सिग्नल हो चुका है तो निकलते हैं। बाकी इन लोगों की लड़ाई खत्म नहीं हो रही है। भैया लड़ो मत यार, वो देखो लेडीज भी लड़ रही है, हम ना तो तुम ना। चलो भैया, तो फाइनली 2 मिनट की स्टॉपेज के बाद अपनी ट्रेन भदोही से डिपार्चर हो रही है। तो आप लोग डिपार्चर इंजॉय करो, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट स्टॉपेज सूर्यावन रेलवे स्टेशन पे। तो दोस्तों फाइनली अपनी ट्रेन सूर्यावा, पता नहीं कैसा नाम है भैया, सूर्यावा रेलवे स्टेशन पे अराइवल हो रही है और ट्रेन अपने ही 4th स्टॉपेज पे आई है। अगर डिले की बात करें तो 10 से 15 मिनट की डिले चल रही है जो कि मुझे लगता है लखनऊ तक। तो दोस्तों यहाँ से भी काफ़ी सारे पैसेंजर ट्रेन में बोर्ड करने वाले हैं। अपनी ट्रेन सूर्यावा रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई है और ये रेलवे स्टेशन भी छोटा सा रेलवे स्टेशन है, 2 प्लेटफॉर्म है, 4 ट्रैक्स हैं यहाँ पे। बाकी दोस्तों अपनी ट्रेन का यहाँ पे काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस का 2 मिनट का ये स्टॉपेज है और सूर्यावा का स्टेशन कोड क्या है आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो दोस्तों सूर्यावा रेलवे स्टेशन से अपनी ट्रेन 2 मिनट के स्टॉपेज के बाद डिपार्ट ले रही है और सामने देखो शाहरुख खान बैठा हुआ है। सूर्यावा रेलवे स्टेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टॉपेज इसका जंघई जंक्शन है, तो मिलते हैं जंघई जंक्शन पे, तब तक आप लोग व्यू एंजॉय करो। तो बाय बाय सूर्यावा। तो देख सकते हैं स्लीपर कोच का हाल अभी तक तो ठीक है क्योंकि तो लोकल लोग बैठे हुए हैं इसमें चढ़ चढ़ के। तो दोस्तों पानी का बोतल दिया है और 30 के दोल दिए, 15 की दे रहे हैं भैया। तो मैं पहले पानी पी लूँ, काफ़ी देर से प्यासा हूँ। बाकी यहाँ एक छोटा सा पेंट्री है इस ट्रेन में, काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस में। अपनी ट्रेन जंघई जंक्शन पे अराइवल हो रही है, तो आप लोग अराइवल इंजॉय करो, मैं मिलता हूँ आपसे प्लेटफॉर्म पे। बाकी दोस्तों इस ट्रेन में जो साइड पेंट्री है, पानी की रेट 15 की पानी 15 में ही बेचा जा रहा है जो कि मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगा। फाइनली हमारी ट्रेन काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस जंघई रेलवे स्टेशन पे आके खड़ी हो गई है। यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का ये स्टॉपेज है और इसका स्टेशन कोड है JNH। तो यहाँ से कौन कौन सी लाइन निकलती है जंघई जंक्शन से आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी दोस्तों काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस का यहाँ पे 2 मिनट का ये स्टॉपेज है, सो ज़्यादा लंबा स्टॉपेज नहीं है इस ट्रेन का। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ट्रेन हॉल्ट करती है 56, 2 मिनट का ये स्टॉपेज है। जंक्शन नॉर्दर्न रेलवे जोन में आता है और इसका डिवीजन लखनऊ NR पड़ता है। टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 3 ही है। बाकी दोस्तों एक लाइन अभी यहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, देख सकते हो आप लोग।
दो मिनट के स्टॉपेज के बाद जंघई जंक्शन से डिपार्चर ले रही है। तो आप लोग जंघई जंक्शन का डिपार्चर इंजॉय करो, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टॉपेज बादशाहपुर रेलवे स्टेशन पे। दोस्तों फाइनली अपनी ट्रेन जंघई जंक्शन से भी निकल गई है बादशाहपुर के लिए। ट्रेन बादशाहपुर रेलवे स्टेशन पे आके खड़ी हो गई है और इस स्टेशन का स्टेशन कोड है BSC। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 2 हैं। 16 ट्रेन आकर के यहाँ पे हॉल्ट करती हैं और एक भी ट्रेन ओरिजिनेट नहीं टर्मिनेट होती है बादशाहपुर रेलवे स्टेशन से। और ये रेलवे स्टेशन आता है जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में, बादशाहपुर रेलवे स्टेशन। बाकी दोस्तों काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस का यहाँ पे एक मिनट का ये स्टॉपेज है बादशाहपुर रेलवे स्टेशन पे। स्टेशन का डिवीजन लखनऊ पड़ता है, नॉर्दर्न रेलवे जोन में आता है। और फाइनली अपनी ट्रेन का एक मिनट के हॉल्ट के बाद मिल चुका है। तो दोस्तों अब मिलते हैं आपसे सीधा नेक्स्ट स्टॉपेज माँ बरही देवी धाम रेलवे स्टेशन पे आपसे मिलते हैं अब। सो आप लोग बादशाहपुर रेलवे स्टेशन से डिपार्चर एंजॉय करो। माँ बारही देवी धाम रेलवे स्टेशन पे आके खड़ी हो गई। यहाँ पे इस ट्रेन का एक मिनट का ये स्टॉपेज है और ट्रेन अपने समय से 20 मिनट की देरी से चल रही है। दोस्तों माँ बारही देवी धाम रेलवे स्टेशन से अपनी ट्रेन डिपार्चर ले रही है। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताना इस रेलवे स्टेशन का ओल्ड नेम क्या था, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर आप लोगों को पता है तो। तो दोस्तों फाइनली अपनी ट्रेन माँ बेला देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन पे अराइवल हो रही है। और ये सामने कौन सी ट्रेन है, सचेत एक्सप्रेस। लोकमान्य तिलक से अयोध्या कैंट के बीच चलती। तो दोस्तों फाइनली साकेत एक्सप्रेस को लाइन दे दिया गया है, तो आपको इसका डिपार्चर दिखाते हैं। बाकी दोस्तों अपनी ट्रेन प्रतापगढ़ जंक्शन पे आके खड़ी है, 15-20 मिनट की देरी से यहाँ पे ट्रेन आई है। अपनी ट्रेन प्रतापगढ़ जंक्शन पे आके खड़ी है, यहाँ पे 5 मिनट का ही स्टॉपेज। और इस रेलवे स्टेशन का भी नाम बदल दिया गया है, माँ बेला देवी धाम प्रताप नगर जंक्शन कर दिया गया है। तो कुछ इस तरह का है, देख सकते हैं आपको। तो दोस्तों अपनी ट्रेन प्रताप नगर जंक्शन से डिपार्चर ले रही है, तो आप लोग डिपार्चर इंजॉय करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टॉपेज MCDD अंतु रेलवे स्टेशन पे, मैं आपसे मिलता हूँ। तब तक आप लोग प्रताप नगर जंक्शन से डिपार्चर इंजॉय करो। तो माँ बेला देवी धाम प्रताप नगर जंक्शन से अपनी ट्रेन 20 मिनट की देरी से निकल रही है। दोस्तों फिलहाल मैं हूँ काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस के
वॉशरूम है और वॉशरूम देख सकते हो सामने मिरर पूरा क्लीन है और वॉश बेसिन भी क्लीन है और नीचे भी क्लीन है। बाकी दोस्तों यहाँ पे ये दिया हुआ है और पानी आ रहा है जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो वीडियो में बने रहना और अभी तक बने हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट स्टॉपेज। और देखिए यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है और यहाँ पे अपनी ट्रेन अंतू रेलवे स्टेशन पे आके खड़ी हो गई। यहाँ पे ट्रेन 20 मिनट की डिले से आई है। तो छोटा सा रेलवे स्टेशन है, स्टेशन कोड है ANTU और फाइनली हमारी ट्रेन 2 मिनट के स्टॉपेज के बाद अंतू रेलवे स्टेशन से डिपार्चर ले रही है। तो आप लोग डिपार्चर इंजॉय करो। और यहाँ पे देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रैक 5 हैं। और लगातार माँ चंडिका देवी धाम अंतू इस रेलवे स्टेशन का पूरा नाम है, जो कि योगी सरकार द्वारा इस रेलवे स्टेशन का भी नाम बदला गया है अंतू रेलवे स्टेशन का। बाकी दोस्तों अपनी ट्रेन 20 मिनट की देरी से चल रही है, जो कि तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट स्टॉपेज अमेठी रेलवे स्टेशन पे। इधर आएगा, आ जाओ आ जाओ। तो दोस्तों ये कोई ट्रेन मालगाड़ी निकल रही है अपने मेन लाइन से, अमेठी के पास है हमारी ट्रेन अभी। अपनी ट्रेन अमेठी रेलवे स्टेशन पे आके खड़ी हो गई है। यहाँ पे ट्रेन अपने 15 से 20 मिनट की देरी से कंटिन्यू चल रही है और इस स्टेशन का कोड है AME। यहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म है, 4 ट्रैक्स हैं। दोस्तों स्टॉपेज की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम का स्टॉपेज नहीं है, मात्र 2 मिनट का ही है। रेलवे स्टेशन का डिवीजन लखनऊ NR पड़ता है और जोन इसका नॉर्दर्न रेलवे जोन के अंदर आता है अमेठी रेलवे स्टेशन। 1927 में इसे ओपन किया गया था अमेठी रेलवे स्टेशन को, और यहाँ पे डेली पैसेंजर 15,000 के आसपास आते जाते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह का है अमेठी रेलवे स्टेशन जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो फाइनली अपनी ट्रेन को डिपार्चर सिग्नल मिल चुका है, तो आप लोग डिपार्चर एंजॉय कीजिए। तो बाय बाय अमेठी, फिर मिलेंगे। तो दोस्तों चाय की क्वांटिटी ठीक ठाक सी है। दोस्तों फाइनली अपनी ट्रेन गौरीगंज रेलवे स्टेशन पे आके खड़ी हो गई है। यहाँ पे ट्रेन लगभग 20 मिनट की देरी से ही चल रही है कंटिन्यू, काफी विश्वनाथ एक्सप्रेस। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 2 हैं और ट्रैक्स 6 हैं। और सो 2 मिनट के स्टॉपेज के बाद अपनी ट्रेन गौरीगंज से डिपार्चर ले रही है। तो आप लोग डिपार्चर इंजॉय करो, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट जयस रेलवे स्टेशन में मिलता हूँ आपसे। तब तक आप लोग गौरीगंज रेलवे स्टेशन से डिपार्चर एंजॉय करो। तो दोस्तों फाइनली अपनी ट्रेन जयस रेलवे स्टेशन पे अराइवल हो गई है। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 2 हैं और ट्रैक्स 3 हैं। तो छोटा सा रेलवे स्टेशन है और इसका स्टेशन कोड है JAIS। दौड़ो 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 दौड़ो।
तो 2 मिनट का ये स्टॉपेज है यहाँ पे जायस रेलवे स्टेशन पे जायस। तो फाइनली दोस्तों जायस से डिपार्चर हो रही है, मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉपेज पे। तो जायस रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन डिपार्ट होने के बाद जो नेक्स्ट स्टॉपेज है इसका रायबरेली जंक्शन, तो मैं मिलता हूँ अब आपसे सीधा रायबरेली जंक्शन पे। तब तक आप लोग व्यू एंजॉय करो। बाकी दोस्तों वॉशरूम की साफ सफाई अभी तक मेंटेन है, देख सकते हो। तो दोस्तों अभी हमारी ट्रेन रायबरेली के आउटर पे खड़ी है, सिग्नल नहीं है क्योंकि, तो आप लोग व्यू एंजॉय करो। मिलते हैं सीधा रायबरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। और ठंड काफ़ी ज़्यादा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फाइनली अपनी ट्रेन रायबरेली जंक्शन पे आके खड़ी हो गई है। यहाँ पे ट्रेन लगभग आधे घंटे की देरी से आई है और इस स्टेशन का कोड RBL। यहाँ पे 6 प्लेटफॉर्म है, 10 ट्रैक्स हैं टोटल। इस रेलवे स्टेशन से जो डेली पैसेंजर निकलते हैं 25,000 के समथिंग डेली आते जाते रहते हैं पैसेंजर। सो ये रायबरेली काफ़ी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है वाराणसी लखनऊ के बीच में। दोस्तों अपनी ट्रेन 2 मिनट के स्टॉपेज के बाद रायबरेली रेलवे स्टेशन से डिपार्ट ले रही है। तो आप लोग डिपार्चर एंजॉय करो, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टॉपेज बछरावा रेलवे स्टेशन पे। तब तक आप लोग व्यू एंजॉय करो। तो बाय बाय रायबरेली, फिर मिलेंगे। तो दोस्तों फाइनली हमारी ट्रेन बछरावा रेलवे स्टेशन पे आके खड़ी हो गई है और यहाँ पे ट्रेन लगभग 10 मिनट की डिले से आई है, काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस। तो नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म बछरावा रेलवे स्टेशन पे 3 है और 26 ट्रेनें आकर के यहाँ पे रुकती हैं। सो आप लोग डिपार्चर एंजॉय करो, मैं मिलता हूँ इसके बाद सीधा आपसे लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। बछरावा के बाद लखनऊ के आउटर पे एक छोटे से रेलवे स्टेशन पे काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस को खड़ा कर दिया गया। तो दोस्तों हमारी ट्रेन को रोक करके काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस को, हिमगिरी एक्सप्रेस का लाइन क्लियर कर दिया गया। तो मिलते हैं आपसे लखनऊ जंक्शन पे। देखिए WAG 12। ट्रेन अपनी आई है करीबन 1.5 घंटे की देरी से आई है लखनऊ जंक्शन और ठंड देख रख सकते हो। तो मिलते हैं आपसे अब सीधा सुबह मॉर्निंग में प्लेटफॉर्म से आई है आपको देख सकते। तो दोस्तों फाइनली अपनी ट्रेन लखनऊ जंक्शन से डिपार्चर हो रही है। तो अब मैं इससे आगे आपको मिलूंगा सुबह मॉर्निंग में, जहाँ नींद खुलेगी। वैसे दोस्तों लखनऊ जंक्शन का डिपार्चर इंजॉय करो। नो बेटा फाइनली दोस्तों लखनऊ से लेते हैं विदा। देखिए बैक टू बैक WAG 7 खड़ी है यहाँ पे। फाइनली अपनी ट्रेन हरदोई पे आके खड़ी हो गई है और समय हो रहा है अभी 10:51, मतलब कि 11 बजने वाले हैं। ट्रेन 1 घंटे की देरी से चल रही है। बाकी दोस्तों नींद नहीं आई अभी तक, तो मैं सोचा रिकवर कर ही लेता हूँ हरदोई रेलवे स्टेशन। तो इसके बाद दोस्तों मैं आपसे मिलूँगा सीधा मॉर्निंग में। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई थी यहाँ पे। Thank you.
बाय बाय हरदोई। सो दोस्तों अभी हमारी ट्रेन अंजनी शाहदाबाद में रुकी हुई है और कोई ट्रेन पीछे से ओवरटेक कर रही है, तो आप लोगों को ओवरटेक दिखाते हैं कौन सी ट्रेन की। ट्रेन काशी विश्वनाथ को ओवरटेक करके गई है, पता नहीं कौन सी ट्रेन थी। काफ़ी सुनसान है ये रेलवे स्टेशन, इसलिए मैं उतर के नीचे भी नहीं गया। सो देखते हैं और कितनी ट्रेन पास करवाती है यहाँ से। मॉर्निंग के टाइम देख सकते हैं अभी ट्रेन को कहीं पे डाउनलाइन पे लगा करके पास कराई जा रही है, ओवरटेक करवाई जा रही है काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस को डाउनलाइन पे खड़ी करके। तो आप लोग ओवरटेक एंजॉय करो और आगे भी जाएगी। चार घंटे की देरी से गाजियाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर अराइवल हो रही है। आप रेडी हो? कुछ लोग सवाल कर रहे थे कि ट्रेन चार घंटे लेट क्यों आ रही है, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपने देखा होगा गेट पे मैं जब खड़ा था तो कुछ लोग बहुत ज्यादा बन रहे थे। मॉर्निंग में WAG 12 की दर्शन, तो मिलते हैं तो आपसे सीधा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, तब तक आप एंजॉय करो। तिलक ब्रिज से निकल रही है दोस्तों, तो आप लोग तिलक ब्रिज का स्किप एंजॉय करो। खड़ी है तेजस, पता नहीं कौन सी तेजस है। तिलक ब्रिज स्किप करके हमारी ट्रेन को रोक दिया गया है काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस को शिवाजी ब्रिज पे, और ट्रेन हमारी 4 घंटे 16 मिनट की देरी से चल रही है। तो पता नहीं ऐसे तो सब पहुंचने का इसका टाइम 5:45 पे ही था, अब तक पहुंच जाना चाहिए था। अगर आप लोग भी किसी ऑफिसर की वजह से काशी विश्वनाथ पकड़ते हो तो मत पकड़ना, काफ़ी अच्छी अच्छी ट्रेनें हैं जो आपको इस टाइम तक अच्छे से छोड़ देंगी। सो अगर आप दर्शन करने जाते हो तो ही काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस को बोर्ड करना। भाई लोग 10 मिनट के बाद ही ट्रेन डिपार्ट ले लेती है शिवाजी ब्रिज से
चूँकि दोस्तों नेक्स्ट स्टॉप है इसका नई दिल्ली है, तो इसके बाद दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पे मैं एंड कर रहा हूँ। मैं सीधा आपको मिलूंगा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर। जर्नी एक्सपीरियंस ठीक ठाक सी थी। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मैं कहाँ जाता हूँ ये जानेंगे आप नेक्स्ट ब्लॉग में। सो वीडियो का 100 लाइक का टारगेट आप लोग जल्दी से पूरा करो। जय हिंद, वंदे मातरम।